डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी यानी कि RMLAU यूनिवर्सिटी फैजाबाद सभी छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। रिजल्ट 2022 संबंधित, फिर चाहे आप BM हो, BSc, BCom, MSc, MCom और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो सभी छात्र पूरा वीडियो अवश्य देखेंगे। उससे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे भी अवश्य ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर भी अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ आप सभी छात्रों को बताना चाहूँगा कि जिन छात्रों का रिजल्ट अभी तक नहीं घोषित हुआ है तो उन छात्रों का रिजल्ट शीघ्र ही घोषित किया जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वहीं पर हम बात करें जो रिजल्ट्स पिछले दिनों आए थे, काफ़ी दिन पहले, तो उन रिजल्ट्स में जिसका भी लग रहा है कि उनका नंबर आपको कम मिला है, आपने कापियाँ अच्छी लिखी हैं, तो आपको एक मौका आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाएगा। थोड़ी सी बाहरी वॉइस आ सकती है क्योंकि हम बाहर हैं, तो यहाँ पर देखिए जो एक मौका दिया जाएगा और आप अपनी कापी को दोबारा चेक करा सकते हैं। हालांकि देखिए उसका चार्ज अधिक होगा, इसलिए आप लोग उसको अवश्य फिल कर लीजिएगा और अपना कापी रिचेक करा सकते हैं। ये बड़ी अपडेट है। और इसके अलावा अगर आप लोग नहीं घुसे नंबर से तो आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। अगर आपको नंबर्स कम मिले हैं तो आप उसको सुधार सकते हैं, इम्प्रूवमेंट, और बैक पेपर जिसको लगा वो बैक पेपर का भी फॉर्म फिल कर सकता है। तो इसका विशेष रूप से आप सभी छात्र ध्यान रखेंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनका रिजल्ट शीघ्र घोषित कर दिया जाएगा, तैयारियां तेज तरीके से चल रही है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट था। अगर वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उससे अवश्य ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहिए नए इन्फो चैनल साथ।